नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, शादियाँ लगभग सबकी होती है, लेकिन सबकी शादी की उम्र, समय और वैवाहिक जीवन में बड़ा फर्क देखने में आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सबकी शादी और शादीशुदा जिंदगी एक सी क्यों नहीं होती है? इसका कारण है बृहस्पति की अलग अलग स्थिति। बिना बृहस्पति के महिलाओं को ना तो विवाह होगा न ही चलेगा। बृहस्पति कमजोर हो तो विवाह में बहुत देरी होती है। बृहस्पति खराब हो तो वैवाहिक जीवन में कष्ट सहना पड़ता है। बृहस्पति दूषित हो तो महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है, और यदि बृहस्पति जरा भी ठीक हो तो विवाह और वैवाहिक जीवन को ठीक रखता है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। जल देने के बाद एक तिलक आप अपने मस्तक पर और एक तिलक आप अपने गले पर लगा दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहने, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और सात्विक आहार ग्रहण करें। हफ्ते में एक बार धर्म स्थान पर जरूर जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ, लेकिन उपाय बताने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। आपको मिट्टी का एक छोटा सा मटका लेना है जिसमें 500 ग्राम या आधा किलो सामान आ जाए। यदि मिट्टी का मटका ना मिले तो पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। मटकी लेने के बाद उसे ढकने के लिए ढक्कन जरूर ले लीजिएगा। अब आपको 500 ग्राम चने की दाल लेनी है, 5 सुपारी लेनी है, 5 हल्दी की गांठ लेनी है, थोड़ा सा कलावा लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है और एक 5 रुपये का सिक्का लेना है। 5 रुपये का सिक्का भी दो तरह का होता है, एक सफ़ेद दिखता है, एक पीला दिखता है, तो आपको पीले रंग का सिक्का लेना है। अब आप नहाकर पीले वस्त्र पहनकर मंदिर में सुबह बैठ जाइए, घी का दीपक जलाइए, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आवाहन कर लीजिए। उसके बाद उस मटके को गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। उसके बाद उस मटके में हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए। और दोस्तों, ध्यान रखें कि स्वास्तिक बनाते टाइम वह क्रॉस करके नहीं बनाना है, सही तरीके से स्वास्तिक बनाइएगा। उस मटके के ढक्कन को उल्टा कर दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा गूठा हुआ आटा रख लीजिए। उस गूठे हुए आटे से उस मटके और ढक्कन को चारों तरफ से चिपकाकर जॉइंट कर लेना है, जैसे सेलो टेप से टेपिंग करते हैं उसी तरह। यह आपका विवाह कलश तैयार हो गया है। अब उस कलश को हाथ में रखकर मन में कि मेरा विवाह अब सिर्फ आपके हाथ में है। और अगर बच्चे की माँ यह उपाय कर रही है तो वह कहेगी कि मेरे बच्चे की विवाह अब सब आपके हाथ में है। और मन में भाव रखिए, रिश्ता आने ही वाला है, विवाह होने ही वाला है। अब आप मटकी हाथ पर रखें तो आपका एक संकल्प और लेना है। जब भी मेरे बच्चे का विवाह हो जाए तो मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी और उसे वस्त्र दान करूंगी। अपनी इन सभी बातों को भगवान श्री हरि विष्णु से बोलकर उस कलश को आप ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी की नज़र न पड़े, जहां गंदगी ना हो और वह एक जगह शांति से रहे। उसके बाद आप देखिए 40 दिन के अंदर रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, गुरुवार का यह उपाय अगर आपको हमारा अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।